हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं लोटस बिस्कॉफ केक। इसके लिए मैंने इस तरह का लोटस बिस्कॉफ बिस्किट लिया है। ये 250 ग्राम्स बिस्किट है। इसमें से दो बिस्किट मैं साइड में रख लूँगी और बाकी के मैं मिक्सर जार में ऐड करके अच्छे से क्रश कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसमें से थोड़ा सा मैं डेकोरेशन के लिए बाहर निकाल दूँगी, 1/4 कप जितना, और बाकी मैं इसमें रहने दूंगी। इसमें मैं 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से फॉर्म हो जाना चाहिए। मैंने 8 इंच का स्प्रिंग फॉर्म टिन लिया है। ये यहाँ से खुलता है और ये बाहर निकल आ जाता है इसका बेस। इसको आप चाहो तो ग्रीस कर सकते हो। इसमें मैं ये मिक्सचर को ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छी तरह से इस तरफ फैला देंगे और अच्छे से प्रेस करके इसको सेट कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी और जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी करेंगे। मैंने 100 ग्राम्स वाइट चॉकलेट लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूंगी और इसको माइक्रोवेव कर लूंगी। आप चाहो तो इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हो। मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसको हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको सॉफ्ट पीक्स आने तक मैंने इसको व्हिप कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम को भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। मेरे पास इस तरह का ब्रिटानिया क्रीम चीज़ है। ये मैं पूरा 1 पैकेट लूँगी। ये 200 ग्राम्स क्रीम चीज़ है। आप चाहो तो कोई भी ब्रांड का क्रीम चीज़ ले सकते हो। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हो तो आप कंडेंस मिल्क को स्किप कर दें। इसको हम विस्क कर लेंगे क्योंकि हम इसमें वाइट चॉकलेट भी ऐड करने वाले हैं तो ये स्वीट हो जाता है। अब जो वाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह का लोटस स्प्रेड मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें से 2 टेबलस्पून हम भर के इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हीप्ड भर के ऐड करें तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी हम विस्क कर लेंगे। अब जो क्रीम मैंने व्हिप किया था वो इसमें ऐड कर लूँगी। इसको विस्क कर लेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो टिन मैंने प्रिपेयर किया था इसमें मैं इसको डाल दूंगी। मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी और फिर बाद में इसके ऊपर मैं स्प्रेड को डालूंगी। मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड जो था उसको माइक्रोवेव किया है कुछ सेकंड्स के लिए। अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसको अब मैं ऐसे टिल्ट करके इसको मैं सब जगह स्प्रेड कर लूँगी। मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब जो बिस्किट के क्रम्स मैंने बचाए थे वो इसको इस तरह साइड में सभी जगह डाल दूँगी। मैंने बिस्किट के क्रम्स को साइड में इस तरह डाल दिया है।
और बीच में मैंने एक बिस्किट रखा है। अब इसे हम ओवरनाइट फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसे 5 to 6 hours के लिए सेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप सेट करोगे ये बहुत अच्छा बन जाता है। केक हमारा सेट हो गया है। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रिज में। अब इसको हम साइड्स से लूज़ कर लेंगे। अब इसके नीचे एक ग्लास रख देंगे और इसको खोल लेंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा बनकर रेडी है। आप चाहो तो पैलेट नाइफ से साइड्स को क्लीन कर सकते हो। अब मैं इसको आपको कट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा केक हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।